नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का रैंकर्स बज में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में इंटरनेशनल डेज एंड डेट्स की बात कर रहे थे, कुछ उसमें नेशनल डे और डेट्स भी आई थी। आज की जो वीडियो लेक्चर है उसमें भी हम इम्पॉर्टेंट डेज और डेट्स की बात करेंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में बहुत इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं और जिसका एग्जाम को लेकर भी इसका इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं मई महीने की, और मई महीने में जो इम्पोर्टेंट डेट्स और डेज आती हैं उनमें से सबसे पहले आ रहा है जी 1 मई, 1 मई का दिन। देखिए, आपको क्या करना है, आपको ये समझना चाहिए कि इन डेट्स को याद ना रखा जाए। याद रखने का मतलब इसको रटना नहीं है, कोशिश कीजिए कि इसको मेमोराइज कर लें, आप इसको इसको इस तरीके से समझ लें कि ये याद हो जाए। 1 मई की हम बात करते हैं, 1 मई की बात करते हैं। 1 मई जो है वो इंटरनेशनल लेबर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे हो रही है? देखिए, शुरुआत की अगर हम बात कहते हैं इंटरनेशनल लेबर डे की, तो इसकी शुरुआत अमेरिका से मिलती है। अमेरिका में इसकी शुरुआत हो रही है, और अमेरिका में सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो 1886 की अगर हम बात करें, 1886 में, तो 1886 में जो लेबर्स थे, जो अगर हम कहें मजदूर लोग थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और उस प्रोटेस्ट में सबसे पहले बात निकल के आई कि वो 8 घंटे का काम की बात कर रहे थे कि 8 आवर्स की बात हो। दूसरी चीज ये कहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट पूरा नेशन वाइड चलाया गया, पूरे यूएसए में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चलाया गया, और इसका अंत एक शहर में होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो हम बात कर रहे हैं किसकी, वो हम बात करते हैं हे मार्केट अफेयर्स के तौर पर जानते हैं इसको। और ये कहाँ हो रहा है जी? शिकागो यूएसए, हे मार्केट अफेयर्स शिकागो यूएसए में। ये खत्म किस तरह से हुआ कि जब ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट था वो एक जगह इकट्ठा हुआ, और इस इकट्ठे होने के बाद से उनमें से कुछ जो उपद्रवी तत्व थे उन्होंने क्या किया कि वहां पर कोई बम फेंक दिया, कोई बम ब्लास्ट करवा दिया गया, और उस बम ब्लास्ट में 7 जो थे वो पुलिसकर्मी मारे गए और 4 सिविलियंस मारे गए। 7 पुलिस वाले और 4 सिविलियन जो आम आदमी थे वो मारे गए, और उसके बाद से ये सारा का सारा जो कहानी है, ये सारा का सारा जो प्रोटेस्ट है, वो कहीं ना कहीं एक 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 ऐसा रूप ले गया जिससे कि लोगों पर, मजदूरों पर कंट्रोल रखा गया। ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, ये जो शुरू हुआ था वो 1 मई को स्टार्ट हुआ था, 1 मई को ये प्रारंभ हुआ था, ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट। इसीलिए 1 मई के दिन इसको इंटरनेशनल लेबर डे के तौर पर मनाया जाता है। 2-3 बातें इसमें और ध्यान रखने वाली बात है कि भारत में सर्वप्रथम इसको मनाया गया, वो कब मनाया गया जी? भारत में सर्वप्रथम इसकी जो मनाने की बात होती है वो 1923 में सबसे पहले भारत में इंटरनेशनल लेबर्स डे मनाया गया। और इसमें कौन पार्टी जो इन्वॉल्व हुई थी उसका नाम हम बोल रहे हैं, द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, द लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, ये जो थी इसने इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को सेलिब्रेट किया। 1923 में सर्वप्रथम किया गया था चेन्नई, द देन मद्रास, उस समय चेन्नई को मद्रास नाम से जाना जाता था। ये यहां पर एक चीज निकल के आती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है इंटरनेशनल लेबर डे के, मतलब 1 मई की अगर हम बात कहते हैं, उसमें ये निकल के आता है कि 1 मई ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जाता है। लगभग मान के चलिए कि 80 देशों या 80 से ज्यादा देशों के में इंटरनेशनल लेबर्स डे मनाया जाता है। मगर याद रखने वाली बात है कि यूएसए और कैनेडा दो इम्पॉर्टेंट देश हैं, अमेरिका की बात हम कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरी हम बात कर रहे हैं किसकी, वो हम बात करते हैं कनाडा की। तो इन दोनों देशों में 1 मई को नहीं मनाया जाता,
इन दोनों देशों की अगर हम बात करें, अमेरिका की और हम बात करते हैं कनाडा की, तो यहाँ पर फर्स्ट मंडे ऑफ सितंबर मनाया जाता, याद रखने वाली बात है, अमेरिका में और कनाडा में फर्स्ट मंडे ऑफ सितंबर, पहला सितंबर महीने का जो पहला मंडे होता है उस दिन इसको मनाया जाता है। और कनाडा में इसकी शुरुआत यूएसए से पहले हो गई थी और उसकी शुरुआत 1872 की हम बात करते हैं, जबकि हम बात कर रहे हैं यूएसए में वो 1886, फर्स्ट में 1886 से कहते हैं। ये तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखने वाली बात है कि कहां से इसकी शुरुआत होती है, तो इसकी शुरुआत यूएसए से हो रही है और बाद में ये पूरे विश्व में स्प्रेड हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखना चाहिए 1 मई को लेकर, कि फर्स्ट में महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन इन दोनों का विभाजन हुआ था, जो बॉम्बे प्रोविंस था उसका विभाजन हुआ था, इसीलिए हमें 1 मई को ध्यान रखना चाहिए, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट डेट था जिसकी हमने बात कही, किसकी, वो हम बात कर रहे हैं आपके लेबर्स डे की। आइए शुरू करते हैं अब सेकेंड डेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट डे है जिसकी हमें हमें समझना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट डे है मदर्स डे। मदर्स डे की अगर हम बात कहें या मातृ दिवस की हम बात कहते हैं, ये भी मई महीने में ही मनाया जाता। देखिए, माता का रोल हर एक के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम जानते हैं कि इस तरह की चीजें हम जानते हैं ये, और ये हर एक के जीवन में होता है कि माँ पहली पाठशाला होती है, आप जानते हैं क्यों, क्योंकि माँ के द्वारा ही बहुत सारी चीजें हमें शुरुआती दौर में, जो हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं जब हम पैदा होते हैं, तब माँ के द्वारा ही बहुत सारी चीजें हमारे हम सीखते हैं, चाहे कुछ शब्दों का उच्चारण हो, चाहे अपने पैरों पर चलना हो, या और भी बहुत सारी चीजें। तो माँ जो है वो प्रथम विद्यालय है, फर्स्ट स्कूल है किसी भी बच्चे के लिए। अब माँ की जो ममता कहें या उनका कंट्रीब्यूशन कहें, किस तौर पर, एक दोस्त के तौर पर, एक 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 फ्रेंड के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर, ये सभी के जो कंट्रीब्यूशन, सभी तरह का कंट्रीब्यूशन जो माँ का होता है किसी बच्चे के जीवन में, उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए मदर्स डे की बात हम कर रहे हैं। अब मदर्स डे की शुरुआत किस तरह से हो रही है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम इन सब चीजों को समझ लेते हैं, कहानी के तौर पर अगर हम समझ लेते हैं, तो ये मोटा मोटी मान के चलिए कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, डेट्स याद हो जाएंगी। हमें 1 मई तो आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट में हम किस बारे में बात कर रहे थे, इंटरनेशनल लेबर्स डे के तौर पर हम बात कर रहे थे। अब बात कर रहे हैं मदर्स डे की, तो इसको भी याद रखिएगा, अक्सर ये 10 मई को मनाया जाता है, मगर यूजुअली अगर देखा जाए तो इसको सेकेंड संडे ऑफ मई मनाया जाता है, हर साल के जो दूसरा संडे, हर साल मई महीने का जो दूसरा संडे होता है, उस दिन क्या मनाया जाता है जी, मदर्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। शुरुआत इसकी भी कहां से हो रही है, इसकी शुरुआत भी यूएसए से हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर हम बात कहें तो शुरू इस तरह से हो रहा है कि अगर हम बात कहते हैं 1905 में, तो 1905 में एक अमेरिकन महिला थी जिनका नाम था एन्ना जार्विस का नाम आता है। एन्ना जार्विस की माँ, वो बहुत प्यारी थी उनको, और वैसे सभी की माँ सभी को प्यारी होती है, चाहे किसी भी तरह की, चाहे किसी की माँ का कॉम्प्लेक्शन डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, या किसी भी तरह के किसी की माँ, सबकी माँ उनके लिए प्यारी होती है। यहाँ पर भी वही बात आती है कि एन्ना जार्विस की हम बात करते हैं, एन्ना जार्विस की मदर की डेथ हो जाती है 1905 में, और उसके बाद से वो बड़ी असहाय फील करती है, बहुत बहुत ज्यादा लोनली फील करती है, मगर वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी मदर्स की जो डेथ हुई है उसको मैं सेलिब्रेट इन द सेंस कि कुमेमोरेट मींस इसको कैसे याद करूं मैं इस डेट को। तो सर्वप्रथम 1905 के बाद से अगर हम बात कहें तो 1908 में
ये हम एना जार्विस की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने ऑफिशियली अपने मदर के नाम को इसको कोमेमोरेट किया। किसको, कहां पर, वेस्ट वर्जीनिया की हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक स्टेट हम बात करते हैं, वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन में, ग्राफ्टन एक जगह का नाम है वेस्ट वर्जीनिया में, वहां पर ये मदर्स डे जो है वो क्या करते हैं, फॉर्मली जो है वो इसको ऑब्जर्व कर रही हैं या उसको मना रही है। दूसरी बात ये होता है कि ये चीजें धीरे धीरे पूरे के पूरे देश में हम कहें या यूएसए के तमाम हिस्सों में ये धीरे धीरे ये बातें पहुंचती चली गई निकलती चली गई कि हाँ मदर्स डे की बात हो रही है, मदर्स डे की बात हो रही है, मदर्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, पूरी की पूरी चीजें आगे निकलती चली गई। 1911 का डे, 1908 हैड स्प्रेड एवरी स्टेट्स इन द कंट्री ऑफ यूएसए, 1911 तक, मतलब आप जब मान के चलें कि यूएसए के सभी राज्यों में इस तरह का ये इंसिडेंट बढ़ गया या फैल गया या लोग जानने लगे। क्यों जानने लगे, क्योंकि जो एना जार्विस की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि भाई सभी को मदर्स डे सेलिब्रेट करना चाहिए, और उस डेट की हम बात कर रहे हैं या उस डे की हम बात कर रहे हैं इस दिन। बाद में इसकी डिमांड होने लगी अमेरिकन गवर्नमेंट से कि इसको ऑफिशियली कुछ इसकी मान्यता दी जाए या ऑफिशियली इसको अनाउंस किया जाए। 1914 की अगर हम बात करते हैं तो 1940 में उस वक्त के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वुड्रो विल्सन की हम बात करते हैं, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने डिक्लेयर किया सेकेंड संडे इन मे टू बी सेलिब्रेटेड एज मदर्स डे। सेकेंड संडे, याद रखिएगा, हर साल मई महीने का जो द्वितीय संडे होगा, सेकेंड संडे होगा, उसको किस तरह से मनाया जाएगा, उसको मनाया जाएगा इंटरनेशनल मदर्स डे के तौर पर मनाया जाएगा। तो ये शुरुआत होती है एना जार्विस की जो मदर थी, वहां से ये सारी की सारी चीजें शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया से, और बाद में ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाती है। तो हम ये जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर, और इसको कोई नकार नहीं सकता कि हर एक व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का, उसकी मदर का, उसकी माता का बहुत बड़ा रोल होता है उसको किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में या उसको कामयाबी तक पहुंचाने में या और भी जीवन में जिस तरह की कठिनाइयों को झेलने का सामना करने की जो शक्ति मिलती है या जो प्रेरणा मिलती है वो मदर्स उसकी माता से, किसी भी व्यक्ति की माता से जरूर मिलती है। तो ये याद रखिएगा मदर्स डे, ये दूसरा इंसिडेंट है जो हम बात कर रहे हैं, किसकी, वो हम बात कर रहे हैं मई महीने की। आइए बात करते हैं तीसरे इंसिडेंट की, और तीसरा इंसिडेंट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे की अगर हम बात कहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। आप जानते हैं ये, हम और हम सभी जानते हैं कि भारत जो है एक 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 न्यूक्लियर पावर कंट्री है। हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम लोगों के पास, हम लोग इतने सक्षम हो चुके हैं कि अपना अपना अपने आप को डिफेंड कर सके, और डिफेंड केवल कन्वेंशनल वॉर में या कन्वेंशनल जो वेपन्स हैं उसके अलावा, जो अगर एटॉमिक वेपन्स की भी जरूरत पड़े तो भारत सरकार के पास या भारत के पास इस तरह की चीजें हैं जो हमने डेवलप कर लिया है। याद रखने वाली बात है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं किसी भी देश में या किसी भी तरह का एटॉमिक रिसर्च होता है या एटॉमिक बॉम्ब बनाए जाते हैं तो पूरे विश्व का उस भारत या उस देश के ऊपर दबाव होता है कि इस तरह की चीजें ना की जाएं या इस तरह की चीजें ना हो। क्यों? क्योंकि देश, विश्व के बाकी देश चाहते हैं कि भाई विश्व में शांति बनी रहे, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें और स्प्रेड होंगी तो कहीं ना कहीं पृथ्वी को कहीं ना कहीं खतरा तो होगा ही होगा। हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में बहुत सारी चीजें हुई। अब हम बात करते हैं दो डेट्स को समझिएगा। 1974 की अगर आप बात कीजिएगा, 1974 में, तो 1974 में पोखरण फर्स्ट किया गया, पहला पोखरण किया गया पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया जो कि असफल रहा, उसमें सफलता नहीं मिली हमें, बावजूद उसके हमने ट्राई किया। उस वक्त भी विश्व का बहुत बड़ा दबाव था। 1974 में
the then Prime Minister Indira Gandhi ji ka naam aata hai. She was a very strong lady, bahut strong lady thi wo. और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने विश्व के पटल पर भारत को एक आयाम दिया, लोग जानने लगे कि हाँ भारत भी कोई चीज है. तो ये चीजें निकल के आई, उनके रिजीम में निकल के आई बहुत सारी चीजें उन्होंने इस तरह की, बहुत सारे उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक माइलस्टोन सेट किया. तो ये उस तरह की बात है. 1998 की अगर हम बात करें तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल आया, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने पोखरण 2 को अंजाम देने की बात की, या उन्होंने सोचा कि इस तरह के हमें भी पावर हमारे पास आने चाहिए. तब हम समझ रहे थे कि इस तरह की चीजें अगर हमारे पास आएंगी तो कहीं ना कहीं भारत और मजबूत होगा या विश्व पटल पर हमारा नाम आएगा. इस चीज को बचाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स रखी गई या बहुत सारे खुफिया तंत्र काम कर रहे थे जिससे कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कहीं किसी को कोई कानो कान खबर ना लगे. याद रखने वाली बात है कि इस प्रोजेक्ट का जब शुरू में जब नाम रखा गया तो पहला नाम इसको रखा गया, तो इसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसको जाना. स्माइलिंग बुद्धा के बाद से ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसको जाना जा रहा है, और अंत में जब फाइनल किया गया तो पोखरण 1, दैट वाज इन द ईयर 1974 पोखरण 1, और 1998 की बात करते हैं, पोखरण 2 के बारे में जाना गया, या पोखरण 2 हम जानते हैं. पोखरण 2 में लगातार 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए. कब? 1998 में. कौन से दिन को? 11 मई को. 11th मई. 11 मई को 1998 के 11 मई को 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, और ये हमें इससे हमें ये बल मिला कि हाँ हम भी इस तरह के टेस्ट कर सकते हैं, हम भी इस तरह के, मतलब भारत इस तरह का टेस्ट कर सकता है या इस तरह की शक्ति प्राप्त कर सकता है. उस टेस्ट के बाद दुनिया का बहुत बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर आया, बहुत सारी चीजें हुई, मगर उस समय की सरकार जो थी या और भी लोग सरकार में या जो हमारे सिस्टम में जो लोग थे या जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे उसको बड़ा डटकर मुकाबला किया और आगे हम आगे आए. याद रखने वाली बात है इसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का रिजीम चल रहा था, और जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का. उस समय वो क्या थे? वो साइंटिफिक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर, और साइंटिफिक एडवाइजर के साथ साथ DRDO के चीफ भी थे, हेड भी थे. तो उनकी देखरेख में सारा का सारा ये जो कहानी की जा रही है, हम बात कर रहे हैं ये पोखरण की, तो उनकी देखरेख में सारा का सारा कहानी किया गया कि हाँ किस तरह से टेस्ट होगा या उसको किस तरह से लिया जाएगा. कोई भी बड़े व्हीकल का इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे कि कहीं वो रडार पे आए या सैटेलाइट पे आए, बड़े छोटे छोटे व्हीकल से उनको ट्रांसपोर्ट किया गया जिससे कि किसी को, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उसको ट्रांसपोर्ट किया गया जिससे कि किसी की नजर में कोई चीजें ना आए कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है. तो ही वॉज द मास्टरमाइंड, अगर हम बात करें किसकी, APJ अब्दुल कलाम साहब की बात करें. बाद में वो भारत के राष्ट्रपति बने, तो उनकी देखरेख में सारा का सारा किया गया, और फिर उसके बाद से हम लोग एक महाशक्ति बने, न्यूक्लियर महाशक्ति बने, जिसमें हम लोग कह रहे हैं किसकी, पोखरण 2 की, जो कि 11 मई 1998 को इसको किया गया. 1999 से 1999 में प्रथम बार पोखरण दिवस मनाया गया, या हम बात कहें टेक्नोलॉजी डे मनाया गया, जिसको हम बोलते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे. तो इस दिन इसलिए मनाया जा रहा है कि हमारा एक लोहा माना गया, हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो टेक्नीशियंस थे, जो हमारे वो ब्रेन जो हमारे यहाँ काम कर रहा है एकदम सुपर ब्रेन, उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनका शुक्रिया करने के लिए इस डेट को मनाया जा रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे. आज की दृष्टि में अगर हम बात कहें, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कहें अपने भारत की, तो हम जानते हैं कि यस, भारत एक महाशक्ति के तौर पर है. तो ये चीज हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हम टेक्नोलॉजी डे की बात कर रहे हैं, जो है आपका 11th मई 1998 को किया गया, जो पोखरण 2,
और उसके बाद से इसको हर वर्ष 1999 के बाद 1999 के बाद मनाया जा रहा है। चलिए अगली बात करते हैं, अगले जो जो इंपॉर्टेंट डेट है उसके विषय में भी हम लोग बात कर लेते हैं और उसकी बात करते हैं, वो है आपका कॉमनवेल्थ डे। अब कॉमनवेल्थ डे क्या है, देखिए आप जानते हैं कॉमनवेल्थ, देखिए विश्व में दो प्रकार की कंट्रीज को अगर आप दो ग्रुप बनाने की कंट्री अगर दो तरह के ग्रुप बनाएंगे या कंट्रीज को अगर ग्रुप में डालने की बात करेंगे तो दो इंपॉर्टेंट ग्रुप बनते हैं, एक बनता है कॉमनवेल्थ नेशंस, दूसरा बनता है नॉन कॉमनवेल्थ नेशंस। कॉमनवेल्थ नेशंस की अगर आप बात करें तो कॉमनवेल्थ नेशंस में वो कंट्रीज आती हैं, वो देश आते हैं जिनके जिनके ऊपर सालों पहले ब्रिटिश राज था या दे वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, जो कहीं ना कहीं वो क्या थे, वो इंग्लैंड के या ग्रेट ब्रिटेन के कहीं ना कहीं वो क्या थे, उपनिवेश थे। अब याद रखिएगा कि पूरे विश्व में कॉमनवेल्थ नेशंस की संख्या अगर देखिएगा तो 54 आती है, 54 अगर हम कहें तो 54 कॉमनवेल्थ नेशंस हैं जिनके जिनका मतलब ये है कि वो जो जो अगर हम विश्व पटल पे अगर हम बात कहें तो ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं ये कहीं ना कहीं उपनिवेश थे ब्रिटिश के या ब्रिटिश राज के उपनिवेश हुआ करते थे, कॉलोनीज हुआ करते थे। कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, याद रखिएगा कॉमनवेल्थ डे जो मनाया जाता है वो 24 मई को मनाया जाता है, 24 मई का दिन जो है वो कॉमनवेल्थ डे के तौर पर मनाया जाता है। और कॉमनवेल्थ डे क्यों मनाया जाता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 24 मई को मनाया जाता है इसको समझना है, और दूसरा इंपॉर्टेंट डे है कि इसको मनाया क्यों जाता है, इसको मनाया जाता है क्वीन विक्टोरिया वन के नाम पर मनाया जाता है, क्योंकि 1901 की अगर हम बात करें तो 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई थी, उसके बाद से इस डे को मनाना शुरू किया गया था 1902 से। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि कॉमनवेल्थ जो डे है ये कॉमनवेल्थ डे इसलिए मनाया जाता है क्यों, क्योंकि जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, चाहे इंडिया है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, चाहे आप बात कहें बांग्लादेश है, इन कंट्रीज के बीच या इन सभी कंट्रीज के बीच विश्व में जैसे ब्रिटेन, इन सभी कंट्रीज के बीच हार्मनी बनी रहे, इन सभी कंट्रीज के बीच क्या बनी, एकता बनी रहे, इन सभी कंट्रीज के बीच जो बंधुत्व है वो बना रहे, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये चीजें बनी रहे और कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है ब्रिटेन से, कनेक्टेड है क्यों, क्योंकि उसी के अंडर ये सारे के सारे पहले थी कंट्रीज, तो ये कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें समझना है कि कॉमनवेल्थ डे अगर पूछ लेता है एग्जाम में, सपोज अगर एग्जाम में पूछता है कि कॉमनवेल्थ डे इज ऑल्सो नोन एज, तो याद रखने वाली बात है कॉमनवेल्थ डे इज ऑल्सो नोन एज एम्पायर डे, एम्पायर डे के नाम से भी कॉमनवेल्थ डे जाना जाता है, इसको आप समझिएगा। तो ये आपका कॉमनवेल्थ डे था जो 24 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, 24 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और पूरे विश्व में जो भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनके बीच कहीं ना कहीं किस तरह की बातें आती हैं, दो जो जो लोगों के बीच या जो दो कंट्रीज के बीच कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके बीच हार्मनी बनी रहे, बंधुत्व बना रहे, चाहे जो भी उनका जो रेगुलर कामकाज होता है वो बना रहे। तो ये मई महीने के चार इंपॉर्टेंट डेट्स थे जिनके विषय में हमने डिस्कशन किया। उम्मीद है इन डेट्स को आप याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि इन डेट्स को आप डेट या कोई करके याद मत रखिएगा, इसके पीछे की कहानी समझ लीजिएगा। जैसे कि हमने लेबर्स डे की बात करी, यूएसए में लेबर्स डे की शुरुआत होती है और वहां पर 1 मई को प्रोटेस्ट होता है लेबर्स का 8 घंटे के काम करने के लिए और उसकी बात निकल करके आती है। फिर उसके बाद हम मदर्स डे की हम बात कर रहे हैं, मदर्स डे में भी हमने देखा ये भी यूएसए से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, कि क्यों किस तरह से शुरू हुआ है। 1905 की हम बात करते हैं, 1908, 1911 और 1914 में वुड्रो विल्सन जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, भारत में भी मनाया जाता है ये मदर्स डे की हम बात करते हैं।
नेशनल टेक्नोलॉजी डे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोखरण 2 को टेस्ट के तौर पर या पोखरण 2 जब हुआ उसके बाद किया गया, मगर पोखरण 2 में जो इम्पोर्टेंट जो लोग थे, जिस और भी इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो जो हमारी पर्सनालिटीज थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मगर ये 2-3 नाम निकल के आ रहे हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक विल पावर की जरूरत होती है इस तरह के एक्ट को करने की, जिसमें हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, और अंत में हम बात कर रहे हैं किसकी, वो है आपके पास कॉमनवेल्थ डे के तौर पर जो कि 24 मई को मनाया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगली वीडियो में हम आगे के महीनों के जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स और डेज आएंगे उनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।